हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर सेकेंड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने यानी चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पार्ट नंबर फर्स्ट को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के अंदर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, यानी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। यानी अभी तक आपने ग्लाइकोजेनेसिस और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म था उसमें आपके कई मेथड थे। तो दोस्तों, दो मेथड के बारे में आप प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में जो भी इसके मेटाबॉलिज्म होंगे यानी जो भी इसके मेथड होंगे कार्बोहाइड्रेट के, उनके बारे में बात करेंगे। और जो भी कार्बोहाइड्रेट की कमी से या ज़्यादा होने से यानी जो भी डिसीजेज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और यानी मेटाबॉलिज्म आप कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सभी PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा ब्रांच वाला पॉलीसेक्राइड होता है, यानी जो ग्लाइकोजन होता है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन को ऐड किया जाता है, उसके बाद ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो ब्रांच निकलती हैं उसमें 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, मतलब जो है इसमें ब्रांचें भी निकलती हैं, यानी जब ग्लूकोज को ऐड किया जाता है तो वो सिंगल लाइन में ऐड नहीं होते हैं, उनको ब्रांच में भी ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, जो ब्रांच निकलती हैं उसमें 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, और ग्लूकोज एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी जो ग्लूकोज होता है एनिमल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? यानी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन जो होता है हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है, मसल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और हमारी बॉडी में लगभग 500 ग्राम ग्लाइकोजन मसल में स्टोर होता है और 100 ग्राम ग्लाइकोजन जो होता है लीवर के अंदर स्टोर होता है। यानी दोस्तों, ग्लाइकोजन वही होता है, यानी बहुत से ग्लूकोज यूनिट को आप मिलाते जाएंगे तब आपका ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों, जो ग्लाइकोजन होता है ये साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो दोस्तों उसके अंदर ये किस फॉर्म में यानी प्रेजेंट होता है? यह आपका प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, यानी छोटे छोटे दाने की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यानी सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है यानी ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए यानी सिंथेसिस बनने के लिए और ब्रेकडाउन यानी तोड़ने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है। तो दोस्तों, ग्लाइकोजन के बारे में आपने इतना देखा, फिर बात करते हैं जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज़ आल्सो टू टाइप, यानी जो ग्लाइकोजन के टाइप होते हैं, मतलब आपका ग्लाइकोजेनेसिस होता है एक आपका, और उसके बाद एक होता है ग्लाइकोजिनियोलाइसिस। तो दोनों दोनों के बारे में बात करना है कि आपका ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनियोलाइसिस क्या होता है, इसके बारे में बात करना है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में इसकी डेफिनेशन बताई थी, और ग्लाइकोजिनियोलाइसिस की भी हमने डेफिनेशन बताई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। तो दोस्तों, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का जो प्रोसेस होता है, यानी जो ग्लूकोज होता है उससे ग्लाइकोजन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा ब्रांच वाला पॉलीसेक्राइड होता है, इसमें जो ब्रांच निकलती हैं उसमें 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, ग्लाइकोजन में अभी भी हमने पीछे बताया है इसी पार्ट में, तो मतलब ये है आपका यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनेगा आपको इस प्रोसेस के बारे में यानी पढ़ना होगा, और इतना ही डेफिनेशन आपको डिफाइन करना होगा। ये टॉपिक आपके कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका फर्स्ट पार्ट है वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे, बस आपका अच्छे से क्वेश्चन फंस जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो प्रोसेस पढ़ते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको 3 स्टेप इसके पहले से ही याद होंगे कि ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज पेड़ा लाता है, पेड़ा लाने के बाद दोस्तों अपनी 6 वाली जेम में रखता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो इतना आपको याद होगा स्टेप, यानी जो प्रीवियस वाला पार्ट हमने बताया था उसमें।
और इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ है? देखिए, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ है, और उसके बाद फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम इसमें यूज हुआ है, और पायरो आपका फॉस्फोराइलेजेस आपका एंजाइम यूज हुआ है। फिर बात करते हैं फोर्थ वाले स्टेप की, यानी यूडीपी ग्लूकोज। जब यूडीपी ग्लूकोज बनेगा, यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज जब बनता है, तो यूटीपी का यानी यूज़ होता है। यूटीपी का जब यूज़ होगा तो उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है और पायरोफॉस्फेट निकल जाता है। उसी प्रकार से फिर ग्लाइकोजन प्राइमर बनता है, और उसके बाद दोस्तों ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है। तो इतना सा स्टेप है, इतने स्टेप को आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जब आप स्टेप को बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर यूडीपी का निर्माण हो गया, यूडीपी ग्लूकोज का निर्माण हो गया, और उसके बाद फिर ग्लाइकोजन प्राइमर बन गया, और ग्लाइकोजन प्राइमर बनने के जस्ट बाद ही आपका ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है। और इतना याद रखना है कि यूडीपी ग्लूकोज जब निर्माण होता है तो यूटीपी का यूज़ होता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया यानी जो टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। फिर बात करते हैं ग्लाइकोजिनियोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजिनियोलाइसिस क्या होता है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, पहले आपने ग्लाइकोजन बनाया, फिर उसके बाद अब ग्लाइकोजन को तोड़कर आप ग्लूकोज बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजिनियोलाइसिस। यानी आप ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद फिर ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यानी ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। तो बात करते हैं, देखिए आपका प्रोसेस दिया गया है ग्लाइकोजिनियोलाइसिस पाथवे। तो जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को आपने ग्लाइकोज आपका फॉस्फोराइलेज आपका एंजाइम है, उस एंजाइम के प्रेजेंस में आपने तोड़ा, फिर उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ये आपका टूट गया। यानी वही वाली प्रोसेस आपकी यानी अपोजिट हो जाएगी, मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, और उसके बाद आपका ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो सिंपल सी प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आपका यानी 1 मार्क्स में आ जाता है डिफाइन ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे, तो आप इतना चार्ट बना देंगे, इतना आपको नंबर जो है फुल मिल जाएगा। अगर आपका टॉपिक पूछ लेता है ग्लाइकोजिनियोलाइसिस के बारे में, तो आप ग्लाइकोजिनियोलाइसिस आप डिफाइन कर देंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी दोस्तों आपके सिलेबस में टॉपिक पूछा गया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आपका क्या टॉपिक पूछा गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग की आवश्यकता होती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है, तो इसकी हमारी आवश्यकता होती है कि बॉडी को ये आवश्यकता होती है कि हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड जो होता है उसके अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। जो हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वह 2 हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है, मतलब इंसुलिन के द्वारा रेगुलेट होता है, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है यानी रेगुलेट होता है। जो ग्लाइकोजन होता है ग्लूकागोन होता है, यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन यानी 2 हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। एक इंसुलिन हो गया, एक हो गया ग्लूकागोन। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो होता है वह रेगुलेट होता है, मतलब मेंटेन किया जाता है। वह किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, एक तो इंसुलिन हो गया, एक हो गया आपका ग्लूकागोन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियाज के बीटा सेल से होता है। यानी जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है वह कहाँ से होता है, पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल प्रेजेंट होती हैं वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, यानी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तब इंसुलिन का सिक्रेशन भी बढ़ने लगता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तब इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में हेल्प करता है। यानी जो इंसुलिन होता है, जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में हेल्प करेगा। इसमें इंसुलिन ग्लूकोज के यूज़ को बढ़ा देता है, जो इंसुलिन होता है वह ग्लूकोज के यूज़ को बढ़ा देता है। और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होता है आपका, होता है 99 mg per deciliter होता है जो फास्टिंग,
यानी आपने कुछ खाया पिया नहीं है और फिर उसके बाद ग्लूकोज लेवल आप चेक करवाते हैं तो कितना होना चाहिए, 99 mg पर डेसीलीटर। और यदि किसी का ग्लूकोज लेवल 70 mg पर डेसीलीटर से कम है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो जिसको कहा जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोस्तों यही आपको पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक था, इंसुलिन के बारे में आपको पढ़ना होता है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। फिर बात करते हैं, आपका एक टॉपिक और है ग्लूकागोन। तो दोस्तों ग्लूकागोन क्या होता है, देखिए यह पैनक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है जो ग्लूकागोन होता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तब जो आपका ग्लूकागोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब इसका सिक्रेशन घट जाता है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा इंसुलिन क्या होता था, यानी ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता था तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी बढ़ता था, और भाई जब घटता था तब इंसुलिन का सिक्रेशन भी घटता था। लेकिन जो ग्लूकागोन होता है, तो दोस्तों ग्लूकागोन क्या होता है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर कम होगा तब ग्लूकागोन बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो यानी जो ग्लूकागोन होगा वह कम होगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है नीचे की तरफ, जो ग्लूकोज हमारे लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में कोई ग्लूकोज स्टोर है, तो दोस्तों तो ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में बदलने में हेल्प करता है जो ग्लूकागोन होता है, और ये बॉडी में रिलीज़ कर देता है, मतलब जो है यानी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देता है, और ग्लूकागोन लीवर को स्टिमुलेट कर देता है और प्रोटीन को ग्लूकोज में चेंज होने में भी रोल प्ले करता है जो ग्लूकागोन होता है। तो आपको इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और ग्लूकागोन के बारे में पढ़ना है। फिर बात करते हैं, आपका एक टॉपिक और दिया गया है, सिलेबस के अंदर ही टॉपिक है कि डिसीज़ रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एबनॉर्मल अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो दोस्तों कौन कौन सी डिसीज़ हमारी बॉडी में देखने को मिल सकती हैं, तो उसके बारे में आपको देखना है। तो दोस्तों आप डायबिटीज़ मेलाइटस को पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे, आपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में भी आपने फार्माकोथेरापेटिक में पढ़ा होगा, तो वही आपको सब लिख देना है। मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस सबसे पहला है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज डिसीज़ जेनेटिक डिसीज़ भी होती है और ये एक्वायर्ड डिसीज़ भी होती है, एक्वायर्ड डिसीज़ भी होती है आपकी, और ये इंसुलिन के कारण होती है, क्योंकि जब इंसुलिन बर्न करना बंद कर देता है तब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिस कारण डायबिटीज़ हो जाती है। इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, जिसको कहा जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब आपका क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। और इसके कई टाइप्स भी बताए थे हमने, तो आप अगर फार्माकोथेरापेटिक में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ के, तो दोस्तों यूरिन में शुगर आना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, फैटिग्यू यानी थकान, हेडेक यानी सर में दर्द होना, ब्लर्ड विजन यानी धुंधला सा दिखाई देना। फिर बात करते हैं गैलेक्टोसेमिया, तो दोस्तों गैलेक्टोसेमिया के बारे में बात करते हैं, एक आपकी और डिसीज़ है गैलेक्टोसेमिया। तो दोस्तों यह एक जेनेटिक डिसीज़ होती है, इस डिसीज़ से हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, जो बॉडी के अंदर गैलेक्टोज होता है। तो दोस्तों आपने सेकंड वाले चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा गैलेक्टोज माल्टोज, तो दोस्तों जो गैलेक्टोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है, जिस कारण बॉडी के अंदर जो है गैलेक्टोज का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों जिसको यानी जब लेवल बढ़ जाएगा तब आपका क्या कहलाएगा, गैलेक्टोसेमिया, और जो लेवल इसका बढ़ता है तो मतलब जो है यह गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेस एंजाइम का फंक्शन बंद हो जाता है तब यह डिसीज़ हो जाती है। मतलब आपका एक एंजाइम होता है गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेस, इस एंजाइम का जो वर्क होगा वह बंद हो जाएगा, जिसके कारण जो गैलेक्टोज होगा उसका लेवल यानी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और यह डिसीज़ हो जाती है आपकी गैलेक्टोसेमिया वाली। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं गैलेक्टोसेमिया के, भूख समाप्त हो जाना, जॉन्डिस, लीवर डैमेज, लॉस ऑफ वेट, एब्डोमिनल स्वेलिंग। तो दोस्तों ये इसके सब होते हैं, इसके यानी सिम्टम्स गैलेक्टोसेमिया के।
तो दोस्तों जो आपका मेटाबॉलिज्म का यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म था उसका जितना भी यानी टॉपिक थे सिलेबस के अंदर उसको हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके कई पार्ट्स अभी बनाने हैं क्योंकि आपके और टॉपिक रह गए हैं अभी सिलेबस के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।